हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योर टेक कंज्यूमर में। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं FPS के ऊपर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गेम्स के अंदर इन गेम्स FPS कैसे काउंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जनरली आपके साथ चार मेथड शेयर करने वाला हूँ। और ऐसा भी कोई नूबड़ा है जिसको नहीं पता FPS, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ FPS क्या होता है। FPS को कहते हैं फ्रेम पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितने फ्रेम्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये पूरा एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। ज़्यादा पता करना है तो आप गूगल करके और पढ़ सकते हैं इसके बारे में। सो गाइस, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा आप में से जो भी स्टीम यूज़र्स हैं उनके लिए। तो पहला मेथड ये है कि अगर आप स्टीम यूज़र हैं तो आपको अपने स्टीम को ओपन करना है एंड उसके बाद स्टीम की सेटिंग्स में जाना है। जैसे ही सेटिंग्स में जाएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे इन गेम सेटिंग्स। इन गेम सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ये चीज़ दिख रही होगी, इन गेम FPS काउंटर। तो गाइस, ये FPS काउंटर अभी आपका ऑफ है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ ही रहता है। आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो ऑन करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट। तो इससे होता क्या है कि आपकी स्क्रीन के इसी चार जो प्लेसमेंट्स हैं इनमें से कहीं पे आपको FPS आपका दिखने लगेगा गेम का। तो आप जो भी कोई गेम खेल रहे होंगे तो आप देख सकते हैं। मैं जनरली CS में FPS को देखता रहता हूँ, तो मैंने CS के अंदर ही कॉन्सोल में जाके उसका FPS खुद से चालू करके रखा है। बट और जैसे कि PUBG PC है या फिर आपका फॉल गाइज है या फिर कोई भी और गेम, तो उसके FPS चेक करने के लिए आपको इसको मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इसको यहाँ पे जैसे मैं टॉप राइट चूज़ करके ओके पे क्लिक कर दूंगा और तो मेरे को यहाँ पे मतलब FPS दिखने लगेंगे, बट मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला हूँ। और आप यहाँ पे हाई कंट्रास्ट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपको FPS दिखे ना रिकॉर्डिंग करते टाइम या जो भी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो गाइज ये हो गया। दूसरा मेथड है गाइज NVIDIA का शैडो प्ले। अब NVIDIA का शैडो प्ले क्या है? NVIDIA का एक प्रोग्राम है, जैसे GeForce एक्सपीरियंस के अंदर आपको ये प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये लिमिटेड है उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है। तो अगर आप एक ग्राफिक्स कार्ड आपके पास है NVIDIA का, तो आप परेशान मत होइए, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। और आप इस बात की भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि क्या नाम है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मल्टीपल काम कर सकते हैं और आपके कार्ड को कोई इशू नहीं पड़ेगा। आप गेम खेलते खेलते भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, कार्ड पे कोई ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, कोई लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि NVIDIA का एक जो कार्ड का एनकोडर है वो अलग ही प्रोसेस करता है और GPU जो गेमिंग के लिए वो एक अलग प्रोसेस करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं करंटली इसको अभी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ रिकॉर्डिंग लेके आ रहा है। बट आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा ओवरले, हमने को देखना है हाईलाइट ब्रॉडकास्ट HD layout पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको मल्टीपल चीज़ें दिख रही हैं। तो कैमरा, अगर कैमरा आप स्ट्रीम वगैरह कर रहे हो तो उसको लगा सकते हो, स्टेटस इंडिकेटर है, परफॉर्मेंस है। तो यानी कि परफॉर्मेंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे FPS है, फिर आपको और भी एडवांस बेसिक है, एडवांस लेटेंसी, तो ये भी मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं। तो अगर केवल FPS चेक करने FPS पे क्लिक करके फिर यहाँ पोजीशन पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे देखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 60 FPS उसके एक डेमो आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो आप कहीं पे भी करके इसको बैक आके इसको डन कर सकते हैं और आप जब कहीं पे भी कोई रिकॉर्डिंग या कोई गेम खेलेंगे तो इन गेम आपको ओवरले आ जाएगी। इसकी ऐसी ओवरले नहीं है कि नॉर्मल ओवरले आएगी, और आपको लेफ्ट या राइट साइड में FPS शो करने लगेगा। तो गाइज, ये तो हो गया बहुत बेसिक, हमें कोई थर्ड पार्टी प्लगइन या सॉफ्टवेयर यूज़ करने नहीं है। अब जो लोग ये चीज़ें नहीं करते, मान लो आप Epic से गेम खेल रहे हो, Epic की लाइब्रेरी से कोई गेम लोड करके खेल रहे हो, या फिर आपके पास NVIDIA का कार्ड नहीं है, आप एक AMD कार्ड यूज़र हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं बात करने वाला हूँ। बट उसके लिए आपको ना थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है Fraps। अब गाइज, मैं सबसे पहले बात करूँगा Fraps की। तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, और इसको जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने की वेबसाइट पे कि रियल टाइम वीडियो कैप्चर एंड बेंचमार्किंग। तो गाइज, आप वीडियो कैप्चर भी कर सकते हो, बेंचमार्क भी कर सकते हो, बट हम जनरली इसको नहीं यूज़ करने वाले बेंचमार्क करने के लिए, हम जनरली जस्ट FPS चेक करने के लिए निकालेंगे। तो आप यहाँ पे इसका डाउनलोड पेज है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो, खुद से भी गूगल करके Fraps की वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। 2 से 3 MB का सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही फास्ट एंड लाइटवेट सॉफ्टवेयर है। और इसका इंटरफेस कुछ देखने में ऐसा है, यहाँ पे आपको चार टैब देखने में, जनरल, 19 FPS, मूवीज़, और एक मिनट कुछ तो गलत खुल गया, यस वेट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे देखें मूवीज, स्क्रीनशॉट्स एंड मल्टीपल चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। तो आप स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो, FPS जनरेट कर सकते हो, कहाँ पे देखना है, सेटिंग्स हैं, तो अपनी सेटिंग्स को इनको अपने हिसाब से आप
यूज़ कर सकते हो। अब इसको मैंने डाउनलोड कर इंस्टॉल कर रखा है। अब गाइस जो हमारा अगला सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी अल्टीमेट सॉफ्टवेयर है एंड काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है। वो मैं आपको इतना FPS के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, जनरली इसको लोग ओवरक्लॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइस जो अगला सॉफ्टवेयर, उसका नाम है हमारा MSI Afterburner एंड ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है। इसका आप जैसे इंटरफेस देख पा रहे होंगे, काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया है। तो इट माइट भी कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके केवल FPS चेक करना चाहते हो तो एक अलग चीज़ है, बट मैं आपको इसका सलाह नहीं दूंगा। इससे लोग जनरली ओवरक्लॉक करते हैं और कई बार लोग ओवरक्लॉक की नॉलेज ना होने की वजह से अपना कार्ड ब्रेक कर देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करता हूं, बट आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं कहूंगा इसके ऊपर आप ट्यूटोरियल कहेंगे तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल। उसके लिए पूरी मेरे को एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, तो आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा आपके लिए, वरना ये सॉफ्टवेयर भी आप देख अपने ऊपर है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑल अप टू यू। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर बहुत ही सही हैं। मैं जो बाकी मैंने तीनों मेथड बताया उनसे भी आप अपने FPS आराम से निकाल देख चेक कर सकते हैं कि आपको कितने FPS मिल सकते हैं और फिर अपने गेम वगैरह को ट्विक कर सकते हैं। तो ये चारों के चारों मेथड मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर आपको कोई पांचवा या कोई और मेथड पता है तो मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, ताकि मैं लोगों को तक वो भी मेथड बता सकूं और किसी वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा या किसी लाइव स्ट्रीम में डिस्कस कर दूंगा। सो वेल गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हो, मुझे बड़बड़ाते हो, पहली बार सुन रहे हो, तो यार क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ यार तुम तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, क्योंकि यूट्यूब बहुत आलसी है, मतलब वीडियो जल्दी जल्दी वैसे पहुंचाता नहीं है। सो अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो और ज़्यादा, तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़न के लिंक्स दिए हैं, अब जाके वहाँ से कुछ भी बाय कर सकते हो और उसका कमीशन हमको मिलता रहेगा। सो गाइस सपोर्ट, और वैसे इतना ही आप लोग देखते रहते वीडियोस, वही बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो थैंक यू फॉर ऑल दैट, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड आई विल सी द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।